वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में हम बात करेंगे कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है अगर आपका एक कोचिंग बिजनेस है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके यू नो स्मॉल साइज कोचिंग बिजनेसेस हैं, जैसे कि कोई 11th को कोचिंग देता है, कोई 10th को कोचिंग देता है, कोई इंग्लिश क्लासेस की कोचिंग देता है, कोई SSC की कोचिंग देता है, यू नो इसी टाइप की छोटी छोटी कोचिंग्स देते हैं। तो ऐसे अगर आपका कोचिंग बिजनेस है तो उस केस में क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है उसे प्रमोट करने के लिए विद रिगार्ड्स टू गूगल एड्स, उसकी हम बात करेंगे, राइट? तो ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉट ओनली फॉर 11th 12th, कोई भी कोचिंग बिजनेस हो उसके लिए एप्लीकेबल है ये स्ट्रेटजी। देखो, अगर आपका कोचिंग बिजनेस है तो नंबर वन काम आपको क्या करना है, एड तो कतई रन नहीं करनी, पहली चीज, ठीक है? सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप क्रिएट करोगे यूट्यूब वीडियोस, कम से कम 15 से 20, ठीक है? तो सपोज करो आप मैथ्स की कोचिंग देते हो, ठीक है जी, आप मैथ्स की कोचिंग देते हो, तो आप 15 से 20 वीडियोस बनाओ जिसमें आप लोगों को मैथ सिखा रहे हो, अच्छी वीडियोस, राइट? 15 से 20 आपको ये वीडियोस बनानी है। सबसे पहले ये वीडियोस बनानी है और अपने चैनल पे डालना है, YouTube चैनल बनाना है, वहां पे ये वीडियोस डालनी है। साथ में एक और काम करना है, पोस्ट या पुट ऑल दीज वीडियोस ऑन योर वेबसाइट। आपको वेबसाइट बनानी है जो उसमें आप से आपके पास 20 वीडियो है तो आप 20 ब्लॉग पोस्ट लिखोगे और उन ब्लॉग पोस्ट में क्या करोगे, अपने YouTube की वीडियो का जो लिंक है वो आप सिंपल एम्बेड कर दो, ठीक है? सिंपल पहला काम क्या किया, 15 से 20 वीडियो बनाई। दूसरा, वीडियोस में बोलोगे क्या, तो अगेन आप सिंपल मैथ्स की कोचिंग दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। अगर आपका मैथ्स का कोचिंग सेंटर है तो आप सिंपल मैथ्स की कोचिंग दे रहे हो, नथिंग एल्स। आपका कोई और है SSC का है तो आप SSC की कोचिंग दे रहे हो, आप और कुछ कर CA की कोचिंग देते हो तो CA के बारे में बता रहे हो, CA सिखा रहे हो, CA के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। दूसरा काम क्या करना है, ये सारी वीडियोज अपनी वेबसाइट पर डालनी, ठीक है? तीसरा काम, अब आप रन करो सर्च एड्स, ठीक है? अब सर्च एड्स रन करने से पहले क्या काम करना पड़ेगा, एक बनाओ लैंडिंग पेज, ठीक है, और इसका थैंक यू पेज, और ईमेल ऑटोमेशन सेटअप करो, ईमेल ऑटोमेशन सेटअप, देन गूगल एड्स में अकाउंट बनाओ, उसके बाद रीमार्केटिंग टैग लगाओ, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाओ और उसका सेटअप करो, ठीक है? अब अगर आप चाहो तो रीमार्केटिंग टैग गूगल एड्स का लगा सकते हो या गूगल एनालिटिक्स को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? जब ये सारा काम कर लोगे, ईमेल ऑटोमेशन सेटअप कर लोगे, गूगल एड्स अकाउंट बना लोगे, रीमार्केटिंग टैग सेटअप कर लोगे, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बना लोगे और उसको सेटअप कर लोगे, अगर आप रीमार्केटिंग टैग नहीं लगाना चाहते, रीमार्केटिंग टैग नहीं लगाना चाहते तो गूगल एनालिटिक्स को अपने गूगल एड्स के अंदर इंपोर्ट कर लोगे, वो सब मैं पीछे लेसन में आपको बता चुका हूं। फिर लैंडिंग पेज बनाओगे, थैंक यू पेज बनाओगे और अब रन करना स्टार्ट करोगे सर्च एड्स, ठीक है? सर्च एड्स से ट्रैफिक कहां भेजोगे, अपने लैंडिंग पेज पे। अब होगा क्या, दो सिचुएशन होंगी, कुछ लोग आपका फॉर्म भरेंगे, साइन अप करेंगे, कुछ लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है? दोनों केसेस में अगर लोग, अगला स्टेप क्या है, अगर लोग फॉर्म नहीं भर रहे तो इनको रीमार्केटिंग करोगे। कहां रीमार्केटिंग करोगे, अच्छा, रीमार्केटिंग करने से पहले आपको ऑडियंस बनानी पड़ेगी, राइट? ये भी आपने सीखा है, आपको ऑडियंस बनानी पड़ेगी और उसके बाद आप रीमार्केटिंग करोगे। तो अब रीमार्केटिंग कहां करोगे, तो रीमार्केटिंग करोगे डिस्प्ले पे और रीमार्केटिंग करोगे यूट्यूब पे, और हमने सीखा था ना रीमार्केटिंग लिस्ट इन सर्च एड RLS से, है ना? तो आप रीमार्केटिंग कर सकते हो सर्च एड्स पे भी, ये तीनों जगह आप करोगे रीमार्केटिंग।
ठीक है, परफेक्ट। लैंडिंग पेज बनाया, कुछ लोग साइन अप करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, फिर आप इनकी ऑडियंस बनाओगे कि कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोगों ने साइन अप किया, कितने लोगों ने साइन अप नहीं किया, और आप इन सबको फिर करोगे रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग कहां करोगे? तो रीमार्केटिंग करोगे डिस्प्ले पे, यूट्यूब पे और यहां, राइट। ये तो उनके लिए हो गया जिन्होंने साइन अप फॉर्म फिल नहीं किया था। और डिस्प्ले पे क्या करोगे? एक तो करोगे कि साइन अप, या अगर कोई डाउट्स हैं तो आप वहां पे अपना फोन नंबर शेयर करोगे कि कॉल ऑन दिस नंबर। सिमिलरली आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाओगे कि भैया आप अगर आपसे मैथ्स के जीनियस बनना चाहते हो, आप मैथ्स विजर्ड बनना चाहते हो, मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो वी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट, हम यहाँ यहाँ पे हैं, हम इतने बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं। प्लस आप इन्हें क्या करोगे? रीमार्केटिंग ये वाली तो करोगे ही, प्लस इन्हें रीमार्केट करोगे सिंपल अपना कंटेंट, जो भी आपने अब तक कंटेंट बनाया है सिंपल ये कंटेंट आप इन लोगों को दिखाओगे, जस्ट टू प्रूव कि भैया आप जो कर रहे हो यू आर गुड। वो सारा कंटेंट आप इनको रीमार्केटिंग करोगे। तो ये तो उसके लिए हो गया जिसने साइन अप फॉर्म फिल नहीं किया। अब जहां तक बात होगी उसके लिए जिसने साइन अप फॉर्म फिल किया है ना, तो उसके लिए भी डिस्प्ले ऐड चलाओगे। डिस्प्ले ऐड क्या चलाओगे? कि हमारा नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट बैच स्टार्ट सून, ये वाले बैनर चलाओगे, ठीक है। प्लस इन्हें आप रीमार्केट करोगे कंटेंट। याद है आपको मैंने क्या कहा था आपसे? आप ब्लॉग कंटेंट बनाओगे, और उससे जो भी आप कंटेंट बनाओगे उन सबका आप ब्लॉग पोस्ट बनाओगे, 20 ब्लॉग पोस्ट, है ना। तो अब रीमार्केट करोगे सिंपल, और रीमार्केट करके कहाँ भेजोगे? इस कंटेंट पे भेजोगे, जो आपने 20 ब्लॉग पोस्ट बनाए ना, तो रीमार्केट करोगे और इन्हें यहां भेजोगे। तो ये तो सिंपल हो जाएगा डिस्प्ले ऐड। सिमिलरली जो यूट्यूब पे आप क्या करोगे, इन्हें सिंपल कंटेंट दिखाओगे, सिंपल कंटेंट, ठीक है। सिंपल इन्हें कंटेंट दिखाओगे और ये आपका कंटेंट देखेंगे और ये आपसे पढ़ने आएंगे। ये सिंपल स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है अपने कोचिंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, किसी भी टाइप का कोचिंग बिजनेस हो। ये सेम स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की है और इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख का रेवेन्यू हम जनरेट कर चुके हैं, सेम स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो क्या स्टेप था? नंबर वन, यूट्यूब वीडियोस बनाओ कम से कम 15 से 20, ठीक है। क्या करोगे? सिंपल इसमें बताओगे लोगों को, सिखाओगे बेसिकली। कोई रैंडम वीडियो नहीं बनानी कि आप कौन हो क्या करते हो, वैसी वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं है। इनको अच्छा कॉन्क्रीट कॉन्टेंट होगी जिससे वो कुछ सीख सके। देन आप क्या करोगे? इन सारी वीडियोस को लेके ब्लॉग पोस्ट बनाओगे, 15 से 20 ब्लॉग पोस्ट बनाओगे, है ना। इन्हीं वीडियोस को ब्लॉग बनाओगे और उसमें एम्बेड कर दोगे। देन तीसरी चीज क्या करोगे? फिर आप रन करोगे सर्च ऐड। सर्च ऐड से क्या करोगे? लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक भेजोगे और देन आप इसका एक थैंक यू पेज बनाओगे। अब ये करने से पहले आपको क्या करना है? एक आपको ईमेल ऑटोमेशन सेटअप करना पड़ेगा, और आपको गूगल एड्स का अकाउंट बनाना है, आपको रीमार्केटिंग टैग सेटअप करना है, और आपको गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाना है। अगर आप रीमार्केटिंग टैग सेटअप नहीं करना चाहते तो आप गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बना के डेटा इंपोर्ट कर सकते हो एडवर्ड्स में। पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ ये काम कैसे होगा। अब उसके बाद आप सर्च ऐड रन करना स्टार्ट करो अपने लैंडिंग पेज पे। अब कुछ लोग फॉर्म भरेंगे, कुछ लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, अब आप क्या करोगे? सबकी ऑडियंसेस बनाओगे कि वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितनों ने फॉर्म भरा, कितनों ने फॉर्म नहीं भरा, ठीक है। अब जितनों ने फॉर्म नहीं भरा उसे रीमार्केटिंग स्टार्ट करोगे आप। अब रीमार्केटिंग कहाँ करोगे? तो रीमार्केटिंग करोगे डिस्प्ले पे, रीमार्केटिंग करोगे यूट्यूब पे, और रीमार्केटिंग करोगे सर्च ऐड पे। अब डिस्प्ले पे क्या रीमार्केटिंग करोगे? कि भैया साइन अप करो, या फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल करो, आप अपना फोन नंबर दे दोगे। यूट्यूब पे क्या रीमार्केटिंग करोगे? अगेन कॉन्टेंट दिखाओगे, प्लस इन्हें एनकरेज करोगे साइन अप करने के लिए कि आपके साथ साइन अप करें और ये जाने कि कैसे आपका कोचिंग प्रोग्राम इनको हेल्प कर सकता है। प्लस सर्च एड्स पर रीमार्केटिंग करोगे। अगली चीज होगी जिसने साइन अप किया है, जिसने साइन अप किया है उसको डिस्प्ले ऐड दिखाओगे कि भैया नेक्स्ट बैच यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस दिन स्टार्ट हो रहा है। प्लस उन्हें कंटेंट पे भेजोगे, रीमार्केट करके कहां भेजोगे? कंटेंट पे, जो 15 से 20 ब्लॉग बनाए थे वहां पे भेजोगे। सिमिलरली यूट्यूब पे क्या रीमार्केट करोगे? सिंपल अपना कॉन्टेंट, जो भी आपने 15-20 वीडियोस अब तक बनाई है वो कॉन्टेंट आप सिंपल इन लोगों को दिखाओगे। प्लस डेली नई 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 वीडियोज आप बनाते रहोगे, नई वीडियोस बनाना छोड़ना नहीं है। इनिशियली कम से कम 50-60 वीडियोस बना के आपको अपने चैनल पे डाल देनी है, जो कि फ्यूचर में रीमार्केटिंग के लिए आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी आपको बनानी है और ये सिंपल काम आपको करना है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। अब ये करना कैसे है एग्जैक्टली, ये मैं आगे वाले लेसन में आपको एक बार दोबारा समझा दूंगा कि ये सब काम एग्जैक्टली होगा कैसे।
ठीक है जी। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो दोबारा देख रहे हो ताकि आप ये स्ट्रेटेजी समझ जाओ। कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए सिमिलर स्ट्रेटेजी हम लगा सकते हैं। आने वाले लेसन में ये काम मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूं, बट एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप दोबारा आपको ये करके दिखा दूंगा। एक से दो लेसन लगेंगे और ये सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम और बिजनेसेस की स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि कैसे उन बिजनेसेस को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।